Deputy Chief Minister Manish Sisodia is addressing a press conference in the capital. Let's cross live. शपथ लेने के बाद हम लोगों ने एक मीटिंग की सरकार ने सीएम साहब ने और जो पोर्टफोलियोज हैं उनका एलोकेशन किया है मिनिस्टर्स के लिए. इसमें संदीप कुमार जो मिनिस्टर साहब हैं वो वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर लैंग्वेज SC and ST अच्छा संदीप कुमार जी के पास वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर लैंग्वेज SC and ST ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे. असीम अहमद खान इनके पास में असीम अहमद खान साहब के पास फूड एंड सिविल सप्लाई एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और इलेक्शन ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे. जितेंद्र सिंह तोमर मंत्री जी हैं इनके पास लॉ एंड जस्टिस होम टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर लॉ एंड जस्टिस टूरिज्म होम आर्ट एंड कल्चर ये चारों डिपार्टमेंट रहेंगे. सत्येंद्र जैन जी हैं जो पहले सरकार में भी मंत्री थे इनके पास में पावर मिनिस्ट्री रहेगी या पावर डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज इनके पास रहेगा PWD इनके पास रहेगा पावर हेल्थ इंडस्ट्रीज PWD IFC होता है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल बेसिकली फ्लड कंट्रोल और गुरुद्वारा ये डिपार्टमेंट्स सत्येंद्र जैन जी के पास रहेंगे. गोपाल राय जी के पास ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो मंडी और ये सब रूरल डेवलपमेंट ये सब देखती है. इसके अलावा लेबर हाँ डेवलपमेंट अब ये है क्योंकि नहीं नहीं रूरल रूरल प्लस मंडी और ये सब आता है इसमें डेवलपमेंट में. मैंने कहा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट लेबर GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये डिपार्टमेंट्स गोपाल राय जी के पास रहेंगे. मेरे पास में मुझे ऑर्डर किया गया है कि मैं दिल्ली सरकार में बतौर डेप्टी चीफ मिनिस्टर भी काम करूं. इसके साथ साथ कुछ डिपार्टमेंट्स मुझे देखने के लिए कहा गया है. ये डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस एंड प्लानिंग एजुकेशन UD फाइनेंस एजुकेशन UD रेवेन्यू और बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे लैंड बिल्डिंग विजिलेंस एंड एनी अदर डिपार्टमेंट दैट इज नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर. हाँ सीएम साहब के पास में तीन काम रहेंगे क्योंकि केजरीवाल जी का मानना है और हम सब लोग इस राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में मंत्रियों से काम करवाना और मंत्रियों से काम करवाते हुए उनके पूरे कामकाज पर एक एक डिपार्टमेंट के कामकाज पर पूरी तरह से निगरानी रखना ये सीएम साहब करेंगे. इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस को यूज करते हुए पूरा व्यवस्था परिवर्तन कैसे करना है क्योंकि सिर्फ डिपार्टमेंट हैं डिपार्टमेंट में कुछ सिस्टम बने हुए हैं उन्हीं को चलाने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए. ये सिस्टम जहां जहां प्रॉब्लम कर रहे हैं वहां वहां सिस्टम्स में चेंजेस के लिए आए हैं तो सिस्टमिक चेंजेस जहां जहां भी करने की जरूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए गुड गवर्नेंस के जो भी टूल्स हैं उनको यूज करते हुए सिस्टमिक चेंजेस कैसे करेंगे ये अरविंद केजरीवाल जी देखेंगे. और तीसरा काम जनता से सीधे कनेक्ट होना
पूरी दिल्ली में घूम घूम के जा जा के लोगों से मिलना, जनता से कनेक्ट होना, जनता की समस्याओं को समझ के जहाँ जहाँ भी ग्रे एरियाज हैं वहाँ गवर्नेंस में चेंज करना, उन विभागों के कामकाज में चेंज करना, उन मंत्रियों के कामकाज को ठीक कराना, ये तीन काम मूल रूप से, और सारे MLAs जितने MLAs हैं उनसे काम करवाना, ये केजरीवाल जी ने अपने पास रखा है। तो ये डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट के फंक्शंस का लोकेशन है। एजुकेशन इन टोटल, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब उसमें, दैट्स व्हाई आई सेड एजुकेशन इन टोटल। परीक्षित, द फैक्ट दैट अरविंद केजरीवाल is not retaining any ministry with himself. He's going to generally supervise over the working of all ministers and departments. Does this indicate that he's going to focus more on party organization and taking party organization beyond Delhi? नहीं, वो तो आज उन्होंने शपथ लेने के बाद जो स्पीच दी उसमें साफ कर दिया कि 5 साल तक उनका पूरा फोकस दिल्ली सरकार चलवाना और दिल्ली में सरकार के कामकाज में जितने भी व्यवस्था परिवर्तन हैं उसको करवाना, ये है। पर इसके लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का काम सिर्फ मिनिस्ट्री चलाना थोड़ी है, मिनिस्ट्रीज जो मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को चलाने का, यूटिलिटीज का काम तो मंत्रियों को देखना है। सारे डिपार्टमेंट पब्लिक के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहाँ गड़बड़ है, पब्लिक में पब्लिक क्या प्रॉब्लम झेल रही है और डिपार्टमेंट्स कहाँ किस धरातल पे जाके खड़े हो गए हैं, ये सारा काम चीफ मिनिस्टर करेंगे। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अंबिका ये तो जैसे भी संभव होगा, ये अभी मैंने कहा ना, वो जनता से कैसे जुड़ेंगे, वो तो नए नए तरीके भी होंगे, जैसे जैसे भी संभव होगा जनता से जुड़ने का, लेकिन जनता के बीच में जाके जनता से मिलना, जनता से संवाद स्थापित करना, जनता की चीजों को समझना और उनको वापस एक एक मिनिस्ट्री तक लाके मिनिस्ट्री में सिस्टमिक चेंजेस कराना ताकि जनता की वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हों और कहां एडमिनिस्ट्रेशन, कहां सरकार लैग कर रही है उसको, गैप को भरवाना।